अब मैं मेरी औकात पे आता हूँ और आपको एक छोटी सी कविता, मात्र 65 लाइन की एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। ज़्यादा बड़ी कविताएं मैं लिखता नहीं हूँ। कविता का शीर्षक है विवाह कांड, क्योंकि विवाह भी किसी कांड से कम नहीं है। क्या बात है? कहते हैं कि शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड हो जाती है। कहते हैं शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड हो जाती है, अच्छी तो बहुत लगती है लेकिन आपदाएं बहुत आती हैं। बहुत बढ़िया। अपने रामचरितमानस में 7 कांड हैं, मेरी कविता में भी 7 कांड हैं। सबसे पहले तिलक कांड, फिर निकासी कांड, फिर तोरण कांड, फिर स्टेज कांड, फिर फेरा कांड, फिर विदाई कांड और 7वां कांड बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, समझदार है। कविता प्रारंभ करता हूं कि जय दिन मेरो टीको लेकर आया, ऊ दिन ही दिन के पहले मेरा टांटिया खाया और मेरी हालत काले दिन की जो बदतर होती जा रही थी और चिंता की लकीरा गहरी होती जा रही थी। मन ने 4 जना पकड़ के चौकी पर बैठायो, जानो कोई मुर्दा ने अर्थी पर सुआयो और मेरे चौकी पर बैठता ही सासराला में काना फूसी चालगी। मन ने या लागे रो बेटा अनमोल, तेरी किस्मत बनने से पहले ही आलगी। पण मार लो बापू भी चतुर सुजान, राखे मोदी जी की जू मोटो ज्ञान, झट से बात बनाई, बोलो छोरो इकाल बादाम खूब खाई, बह कर रिएक्शन करगी। बोलो छोरो इकाल बादाम खूब खाई, बह कर रिएक्शन करगी और मार लो बापू की चतुराई या काम आई और तिलक की रस्म पूरी करवाई। तिलक के पाछे जद निकासी की टेम आई, घोड़ी बड़ी ही खूबसूरत मंगवाई और जइया मैं घोड़ी पर बैठ्यो, मारले मोल को रामू नाई घोड़ी के सुई चुबाई और घोड़ी चिमक के भागी, जाती गांव के गुआड़ में नीम सौ के टक्कर लागी। बठे से मैं भारतीय शेयर बाजार की जू, बठे से मैं भारतीय शेयर बाजार की जू, गिर तो उठ तो घना तक आयो। क्या व्यंग है। जना पाछे साइकिल पर बैठा कर निकासी को नेक करवायो, जना पाछे साइकिल पर बैठा कर निकासी को नेक करवायो। बरात पूछी सास रे, बरात पूछी सास रे, नाश्ते में कांजू कतली राज भोग उडन लाग रहा था। बरात पूछी सास रे, नाश्ते में कांजू कतली राज भोग उडन लाग रहा था और जो लोग कदे खाया को ना मठल्लू ब राज भोग निचोड़न लाग रहा था। जो लोग कदे खाया को ना मठल्लू ब राज भोग निचोड़न लाग रहा था और मेरा कालज में बोफोर्स तोप का सा गोला लाग रहा था, क्योंकि खर्चो तुम्हारे सुसरे का लाग रहा था। और नाश्ते के बाद जब तोरण की टेम आई, तोरण की शुभ घड़ी आई, मैं जोर लगा कर तोरण के मारी, उनका टुकड़ा होगा 4, मार लो छोटनियों साड़ो जोर जोर से रोन लागो, बोलो तोरण ले आया था उधार। तोरण की शुभ घड़ी आई, मैं जोर लगा कर तोरण के मारी, उनका टुकड़ा होगा 4, मार लो छोटनियों साड़ो जोर जोर से रोन लागो, बोलो तोरण ले आया था उधार। मार लो बापू दूसरो तोरण ले आयो और उस असली मालिक ने लौटायो। मित्र मंडली के साथ जब मैं स्टेज पर आयो, बठे को विहंगम विचित्र अद्भुत अलौकिक दृश्य देख कर मेरो मन घबरायो। वाह। अरे जैन पिछले एक साल से मैं ये सुरैया राय समझ रखी थी, बा राजपाल यादव की जो नजर आ रही थी और माला कया पर आई जा या सिंत्या सबने सता रही थी। मान लो सुसरो वर माला आयोग बैठायो, आपको पता है कि देश में कई आयोग बैठते हैं। मान लो सुसरो वर्णमाला आयोग बैठायो, जना पाछा भाई 1 घंटा 55 मिनट 59 सेकंड बाद में 365 पन्ना को आपको निर्णय सुनायो और फैसले के अनुसार एक सीडी मंगवाई, जना एक दूसरे ने वर्णमाला पर आई। जिम्मा जूठी करके जद फेरा में आयो, मन में बड़ो ही सुकून पायो, पर गड़बड़ तो जद होगी जद पंडित जी कन्यादान की जगह पिंडदान बोलगा। कि गड़बड़ तो जद होगी जब पंडित जी कन्यादान की जगह पिंडदान बोलगा। बोले छोरी का माँ बाप पिंडदान करेगा, एक तो अठे धरेगा, एक बिचले बादशाह के लिए रिजर्व करेगा। अरे गड़बड़ तो जद होगी जब पंडित जी कन्यादान की जगह पिंडदान बोलगा। बोले छोरी का माँ बाप पिंडदान करेगा, एक तो अठे धरेगा, एक बिचले बादशाह के लिए रिजर्व करेगा। जद बेरो पट्यो वह मारा फेरा गरुड़ प्राण से करा रहा था और मारी आत्मा ने शांति दिला रहा था। मौको देख कर बटे से पंडित जी दौड़ लगाई, जना मार लो फूफो फेरा की रस्म पूरी करवाई।
राजी कुसी विदा हो के घरां बरात आई, रात ने बड़ी चोखी नींद आई, अज्जत करवट ली तो खाट की बाई टूट गई, अज्जत आँख खुली तो 5 बजे वाली ट्रेन छूट गई, अया भाई लो मैं सपना में ब्याह करायो।